हेलो फ्रेंड्स, आज हम कड़ी पत्ता से जो एकदम नई टेस्टी एंड हेल्थी रेसिपी तैयार करेंगे। यहाँ हमने 250 ग्राम करीब से है कड़ी पत्ता लिया है। ये देखिए, कड़ी पत्ता को धो के साफ करके तैयार रखा है और 100 ग्राम करीब पीनट लिए हैं जिन्हें हमने रोस्ट करके छील के तैयार किया है। 10 से 12 लहसुन की कली और 2 चम्मच जीरा लिया है। अब सबसे पहले हम जो है लहसुन को जो है अच्छे से सेक लेंगे कढ़ाई में। ये देखिए, वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रेसिपी तैयार कर सकें और कोई मिस्टेक ना करें। और यदि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आने वाले वीडियो में आप किस तरह की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, लहसुन हमारा जो है भुन चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में जो है जो हमने 2 चम्मच जीरा लिया था उसे भी जो है रोस्ट कर लेंगे। जीरा भी हमारा भुन चुका है। अब उसमें हमने जो पहले से रोस्ट किए पीनट रखे थे उसको डाल देंगे। उनको थोड़ा हल्का हल्का सेक लेंगे ताकि उसमें थोड़ा क्रिस्पी बन जाए। अब इन्हें हम जो है निकाल लेंगे, एक बर्तन में निकाल के अलग रख लेंगे। अब हमने कढ़ाई में जो है 2 से 3 चम्मच जो है तेल डाल के और इसमें हम जो है करी लीव्स को हमें इतना सेकना है कि वो क्रिस्पी हो जाए। इसे लगातार चलाते हुए जो है हम अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि इसकी पत्तियां जो है पत्तियों में क्रिस्पीपन ना आ जाए। देखिए, इसे हाथों की सहायता से ऐसे मस के देख लेंगे। जब ये कुरकुरी हो जाए उसके बाद जो है हम गैस को जो है बंद कर देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच जो है नमक डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब जब ये मिक्सचर जो है हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद जो है हम मिक्सी के जार में इसे डाल के सबसे पहले हम लीव्स को थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे। देखिए, उसको जो है 1 मिनट पीसने के बाद इसमें हम जो है फल्ली के दाना और जीरा और लहसुन जो है सब डाल के फिर से घी इसको जो है धीरे धीरे करके पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा जो है करी लीव्स का जो है पाउडर तैयार है। इसे हम 15 से 20 दिनों के लिए जो है स्टोर करके रख सकते हैं। ये खाने में जो है बहुत ही टेस्टी और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। आप लोग इसे क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।